वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द आईटी ग्रुप, माई सेल्फ्यूम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपनी वीडियोस में हम लेंस को करेक्शन कैसे करें, यानी दोस्तों जो वाइड एंगल होता है अपनी वीडियोस में हम वो कैसे दें और एक कंप्लीट जो वाइड एंगल का इफेक्ट होता है हम अपनी वीडियोस में कैसे अप्लाई करें, तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आपको एक वीडियो इम्पोर्ट करनी है, ठीक है। अब ये वीडियो है, ठीक है, मैच टू मीडिया कर देंगे, तो ये हमारी इंटायर वीडियो है, ठीक। अब इस वीडियो में क्या करेंगे, हमें लेंस करेक्शन डालने हैं, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद हमें यहाँ पे लेंस करेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। लेंस यहाँ पे लेंस करेक्शन जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इसे इनेबल करेंगे। अब इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होती है। बहुत सारे यहाँ पे कैमरे के फॉर्मेट हैं, GoPro, हीरो एक्शन कैमराज हैं और ये पैनासोनिक का कैमरा है, सोनी का। तो आप उस कैमरा के लेंस के अनुसार यहाँ पे आप लेंस करेक्शन कर सकते हैं। सपोज अगर मैं GoPro हीरो का लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं GoPro का कुछ उभर के सामने आ गया, ठीक। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सोनी का अगर आपको लगाना हो तो सोनी का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका जो इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप GoPro हीरो 6 का लगा सकते हैं तो थोड़ा जो इसको वाइड एंगल है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप उसकी जो क्वालिटी है मीन्स वो यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसका किस रिजोल्यूशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 सुपर व्यू है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे यहाँ पे व्यू हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 4K सुपर व्यू बाय डिफॉल्ट था, तो आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ से आप लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, यानी देखिए जितना हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो वाइड एंगल कम हो जाएगा और डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे आप लेंस करेक्शन का यूज यहाँ पे फिल्मोरा 9 में कर सकते हैं दोस्तों, वाइड एंगल देने के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आई होगी आपको पसंद, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दे भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं।